सर क्या नाम है आपका? विजय महोदय। विजय जी, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम हुए हैं दिवाली के दिन, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये सब सरकार की चुनावी रणनीति है। दो साल पहले जो पेट्रोल 72 रुपए था, डीजल 62 रुपए था, उसको बढ़ा के सरकार ने साल भर के अंदर 107 रुपया ले आई पेट्रोल और 100 रुपए के लगभग डीजल। अब आज दिवाली है, आज जिन लोगों ने खरीदारी पहले कर चुकी है वो तो गया उनका पैसा, और आज जो है दिवाली के दिन घटाने का कोई औचित्य इसका नहीं है। अगर यही काम सरकार हफ्ता 10 दिन पहले की होती तो जो आज अन्य चीज़ों के दाम पेट्रोल डीजल के वजह से बढ़े हैं वो भी कम हुए होते, जिससे जनता को दिवाली पे लाभ मिलता। लेकिन आज तत्काल ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। रत्न जी, सरकार ने दाम घटाए हैं डीजल और पेट्रोल के, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इस फैसले को तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर भविष्य में इसी तरह 35 पैसे की दर से बढ़ाते रहेंगे तो ये एक तरीके से लॉलीपॉप है जनता के लिए। लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि तेल बढ़ना रेगुलरली 35 जिस दर से वो घटाए हैं उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। महंगाई कंट्रोल में हो या ना हो, लेकिन आम आदमी को काफ़ी राहत है पेट्रोल के दाम कम होने से। जहाँ 5 लीटर पड़वाते थे पेट्रोल, एवरेज कम गाड़ियाँ देती हैं, उससे काफ़ी राहत मिली है आम आदमी को। ऐसे कार्य होने चाहिए और सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। आज आपने देखा है पेट्रोल की जो रेट लिस्ट है उसमें कितने रुपए कम है पेट्रोल? 5 रुपए कुछ कम पेट्रोल हुआ है। और डीजल? डीजल 12 रुपए कुछ। आपका क्या नाम है? याकूब। याकूब जी, आज पेट्रोल और डीजल पर दाम घटे हैं तो क्या महसूस करते हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, लगता है कि थोड़ी बहुत कंट्रोल हो गई महंगाई में। महंगाई काफ़ी बढ़ती चली जाएगी पेट्रोल की वजह से, आज थोड़ा सा कम होगा, थोड़ी राहत तो मिलेगी और आगे देखिए बढ़ते हैं या घटते हैं, अभी तो राहत है। आज डीजल और पेट्रोल के दामों में काफ़ी गिरावट आई है तो क्या महसूस कर रहे हो आप? वही रेट मिल गया जो पहले मिल गया था। आपने रेट नहीं देखा, रेट तो कम हुआ है 11 रुपए 80 पैसे के करीब डीजल पे कम हुए हैं। नहीं तो डीजल तो इन्होंने दिया 800 ग्राम 86। तो आपको कुछ राहत नहीं दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, इसमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। और चाहते हैं कि और दाम कम होने चाहिए? हाँ जी।